हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कवर करने वाले हैं जनवरी माह के प्रमुख दिवस जो आपके किसी भी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं, चाहे आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो। तो इस वीडियो को अंत तक बने रहें इसके साथ पूरा समझने के लिए, और इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर कर दें। अगर तो हमारा जनवरी माह का पहला दिवस है 9 जनवरी। 9 जनवरी को हम मनाते हैं प्रवासी भारतीय दिवस, जिसकी थीम है आत्मनिर्भर भारत में योगदान। और दूसरा दिवस हम मनाते हैं जनवरी माह में 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को। विश्व हास्य दिवस 10 जनवरी को, यानी 10 जनवरी के दिन दो दिवस मनाते हैं, हिंदी दिवस और हास्य दिवस। चौथा महा दिवस आता है 12 जनवरी। 12 जनवरी को मनाते हैं राष्ट्रीय युवा दिवस। राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं हम जो है विवेकानंद के जन्म दिवस के अवसर पर। स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ था 12 जनवरी को, तो उस दिन को हम मनाते हैं राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में। 15 जनवरी को थल सेना का गठन हुआ था, इसलिए मनाते हैं थल सेना दिवस। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस, और 25 जनवरी को हम मनाते हैं राष्ट्रीय मतदाता दिवस। 26 जनवरी को सभी जानते हैं हमारा संविधान लागू हुआ था, और इस दिन हम मनाते हैं गणतंत्र दिवस। 30 जनवरी को शहीद दिवस, महात्मा गांधी की गोली लगी थी, और इसी के साथ इसी दिन मनाते हैं हम कुष्ठ निवारण दिवस। यह रहे हमारे जनवरी माह के प्रमुख दिवस। इसी के साथ हम कवर करेंगे कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो आजकल सभी एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे वो यूपी टेट का हो, सी टेट का हो, या सुपर टेट हो, या SI वगैरह, कोई भी किसी भी राज्य का एग्जाम हो, सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो इसका पहला क्वेश्चन हम कवर करते हैं, भारतीय भारोत्तोलन संघ IWLF के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? वो बने हैं सहदेव यादव, और इसी संघ के महासचिव बने हैं आनंद गौड़े, और भारोत्तोलन संघ के कोषाध्यक्ष नरेश शर्मा, और इनका कार्यकाल कितना होगा? 4 वर्ष का। भारतीय भारोत्तोलन संघ के अध्यक्ष, उनका कार्यकाल 4 वर्ष का होने वाला है। दूसरा क्वेश्चन, मेरा घर मेरा नाम योजना शुरू कहाँ से की गई है? ये शुरू की गई है पंजाब के मुख्यमंत्री द्वारा, यानी पंजाब